जब ये जय बोलते हमारे विरोधी कहते ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये धर्म की राजनीति क्यों कर रहे हैं। अब इनको कोई समझाए कि हम धर्म की नहीं करें तो अधर्म ही करेंगे क्या? धर्म की राजनीति करी कंस ने, रावण ने, अब वो रावण नहीं रहा फिर भी राम का विरोध करते हो। ये कांग्रेस और हेमंत सोरेन ये भगवान राम के विरोध करने वाले, ये अधर्म के मानने वाले, हमको धर्म सिखाएंगे। मेरी अपनी विधानसभा में 2,85,000 वोटर में से कुल 500 भी अपने समाज के नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मुझे पहले मंत्री बनाया और अब मुख्यमंत्री बनाया। ये है सबका साथ सबका विकास। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूँ, एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए, महाकाल महाराज की। और आप बाबा बैजनाथ की धरती वाले हैं तो बैजनाथ महादेव की भी जय बोलना चाहिए, बाबा बैजनाथ महादेव की। और जब सबकी जय बोल रहे हैं तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। हम जब ये जय बोलते हमारे विरोधी कहते ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये धर्म की राजनीति क्यों कर रहे हैं। अब इनको कोई समझाए कि हम धर्म की नहीं करें तो अधर्म ही करेंगे क्या? किसकी करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे हमारे पुरखों ने जिनको माना, जिनके पीछे पूरा देश आगे आगे चला। हाँ, अधर्म की राजनीति करी कंस ने, रावण ने, अब वो रावण नहीं रहा फिर भी राम का विरोध करते हो। ये कांग्रेस और हेमंत सोरेन ये भगवान राम के विरोध करने वाले। अपने बीच में ये चुनाव के समय आप सबको याद रखना है, ये अधर्म के मानने वाले हमको धर्म सिखाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज आपके बीच में आ रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि सबका साथ सबका विकास, ये बोलने के लिए नहीं है। आप तो इतनी बड़ी संख्या में हो, मेरी अपनी विधानसभा में 2,85,000 वोटर में से कुल 500 भी अपने समाज के नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मुझे पहले मंत्री बनाया और अब मुख्यमंत्री बनाया। ये है सबका साथ सबका विकास।